आजकल पूरी इंडस्ट्री हो या फिर पूरी इंडिया ही क्यों ना हो, हिंदुत्व को लेकर जिस तरीके की लड़ाई छिड़ी हुई है इस वक्त, अगर कोई भी बॉलीवुड फिल्म या फिर किसी भी तरीके के सोशल प्लेटफॉर्म पर कोई भी पोस्टर्स भी सामने आ जाते हैं हिंदुत्व सेंटिमेंट्स को लेकर हर्ट करने वाले, तो बवाल तो होना लाजमी हो जाता है। आखिरकार ऐसी कौन सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई है सामने जिसके पोस्टर आउट होने के बाद ही लगातार फैंस कर रहे हैं इस फिल्म को बॉयकॉट। क्या है पूरी अपडेट, क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। वेल, आपको बता दूं कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं एक दूसरे यानी कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो दिख रहा है, जो कहीं ना कहीं जो दरार फैल रही है वो बेहद ही ज़्यादा भयानक है। और इसी बीच अगर कोई भी फिल्म के जरिए किसी भी तरीके से हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जाता है तो बवाल तो होना लाजमी है। जी हाँ, आपको बता दूं कि मोस्ट फेमस डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पोस्टर रिलीज़ किया है जहां कि इनकी फिल्म का नाम काली है। तो वहीं इस पोस्टर में काली माँ की तस्वीर है और काली माँ सिगरेट पीते हुए नज़र आ रही है। वेल, इस तस्वीर को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट करना बॉलीवुड कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं और बैक टू बैक कितना भी इनके लिए आवाज़ उठा लिया जाए लेकिन हर बार अपनी फिल्म को और साथ ही साथ अपना पैसा बनाने के लिए हिंदू सेंटिमेंट्स को ये हमेशा ही कहीं ना कहीं हर्ट करते हैं। वेल, बैक टू बैक इस फिल्म के पोस्टर आउट होने के बाद ही इस फिल्म को बायकॉट होने की बात चल रही है और देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार इन सभी चीज़ों पर लीना का क्या कुछ रिएक्शन आता है। आखिरकार आपके हिसाब से ये पोस्टर कितना सही और गलत है, कमेंट सेक्शन में अपने रिएक्शंस जरूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।